हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मनु राठी, आप देख रहे हैं मनु राठी यूट्यूब चैनल। एस्टेट की परीक्षा जो कि 2 और 3 दिसंबर को आयोजित हुई, 17-18 तारीख को कहा गया कि जिला वाइज, ठीक है, कोई जाकर अपना जिसका एक लिस्ट दी गई स्टूडेंट्स के नाम की, कि उन सभी स्टूडेंट्स को जिनका नाम है लिस्ट में, उनको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करानी है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट पहुँचे अपना रोल नंबर लेके, अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उन्होंने करा भी ली, जिनमें से एक हमारी स्टूडेंट है, ठीक है, उसने भी अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराई। मगर जब अब उसका रिजल्ट आ रहा है तो नीचे लिख कर आ रहा है ये RLV। अब भाई RLV का मतलब क्या है? RLV का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो बायोमेट्रिक हुई उसमें ढंग से नहीं हो पाई, मतलब पूर्णतः बोर्ड जो है उसे सहमत नहीं हुआ। अब बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब बात यह है कि अभी तो आप अपने ज़िला में जाकर अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराए आए थे, अब क्या करना पड़ेगा? अब आपको भिवानी बोर्ड, यानी जो आपका दफ्तर है मेन हेडक्वार्टर, वहाँ पर बुलाया जाएगा और उसको लेकर जल्द ही आपका bsch.org.in पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ ही जाएगा कि आपको दोबारा से बायोमेट्रिक कराने यहाँ जाना है। ठीक है, ऐसे हैं कई स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक करा भी आए तो भी उनका रिजल्ट रोक लिया गया है। ठीक है, डरने की बात नहीं है, आप पास हैं, ठीक है, आपने बायोमेट्रिक दोबारा वहाँ करवा लीजिएगा, आपका रिजल्ट जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक, तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि एक दो बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि रिजल्ट में देखने को आया कि कई स्टूडेंट जिन्होंने अपने जितने मार्क्स पहले कैलकुलेट किए थे उससे ज़्यादा उनके आ रहे हैं। ठीक है, ग्रेस जो है पूर्णतः दिखाई नहीं दे रही, और मगर फिर भी यह है कि स्टूडेंट्स के कुछ के मार्क्स तो बढ़े हैं और कुछ के जो है वो उतने के उतने हैं। बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर ग्रेस दी या नहीं उसको लेकर कोई स्थिति साफ नहीं की। 17-18 को बायोमेट्रिक कराई और भाई रिजल्ट रिलीज कर दिया, तो उसमें भी अभी कोई स्पष्ट रूप से चीज़ नहीं कही जा सकती। एक बात हाँ ज़रूर है कि बोर्ड ने जिस तरीके से सिलेबस चेंज करके बच्चों को एकदम से कहा कि ऐसे तैयारी कर लो और फिर पैटर्न पुराने पर दे दिया, तो उससे देखिए कहीं ना कहीं जो बच्चा 88, 89, 85 के आसपास अटका है, तो कहीं ना कहीं वो दिशाहीन हुआ, जिसका उसकी पढ़ाई पर प्रभाव तो पड़ा सर और मैडम। तो प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। और रिजल्ट तो हालांकि जारी कर दिया गया है और कुछ स्टूडेंट्स ने केस भी कर रखा है, ठीक है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में इस रिजल्ट में को लेकर कि आउट ऑफ सिलेबस जो है वो क्वेश्चन आए गए, उसका भी अगर जो भी फीडबैक रहेगा उस रिजल्ट की, जो भी अपडेट रहेगी उस फैसले की, वो भी मैं आपको ज़रूर मनु राठी यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दूंगी बेटा। और तो डरिएगा मत, जिनका ये आ रहा है तुम पास हो भाई, तुम्हें वहाँ जाके भिवानी में जाके दोबारा से बायोमेट्रिक करानी पड़ेगी। अब देख लेंगे, क्या पता ज़िला वाइज दोबारा मौका दे दे, या भिवानी बोर्ड के दफ्तर में तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे फिर तो। दूसरी बात ये कि हमने पहली बार एस्टेट में उतरे, एस्टेट को टारगेट हमने किया, और एस्टेट PRT बैच, एस्टेट जनरल बैच और एस्टेट जो है हमारा TGT PGT हिंदी बैच लेकर आए। उसमें बच्चों का रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा। विनय है ये कि मैम थैंक यू सो मच, मेरा एस्टेट क्लियर हो गया। पूजा शर्मा, ठीक है, ये हमारा अगर हम देखें मन मलिक नाम से स्टूडेंट है, आपकी टीम की वजह से मैं पहली बार एस्टेट पास हो गया। हालांकि बोर्ड के पैटर्न बदलने के कारण कुछ स्टूडेंट, जैसे कि ये 79 नंबर थे मैम, जो कि 3 नंबर से मैं रह गया, बट मैम आपका चैनल पहली बार ज्वाइन किया, अगर सिलेबस के अनुसार रिजल्ट आता तो मैं भी पास हो जाता। और बहुत सारी आप देख सकते हैं, कल शाम को भाई मैंने एक वीडियो एक शॉर्ट्स बनाया था, इस शॉर्ट्स के नीचे के कमेंट्स आपको अपने आप पुष्टि दे देंगे कि भाई हमने एस्टेट में तैयारी कैसे कराई है। और बाकी जो मेरे प्रिय स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़े हैं, ठीक है, जिन्होंने बैच लिया है और साथ के साथ जिन्होंने मैराथन्स यूट्यूब पर जो फ्री कराई, उनसे भी बहुतों का क्लियर हुआ है, तो एक गूगल फॉर्म इस वीडियो के कमेंट में मैं पिन कर दूँगी, ठीक है, तो ज़रूर उसको भरिए, ठीक है, और हमारे साथ साझा कीजिए कि आपको हमसे पढ़ना कैसा लगा, हमसे पढ़कर आप एस्टेट क्वालिफाई हुए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे उपलब्धि धारक, हमारे अचीवर्स और हमारे जो है मेन स्टूडेंट्स जो कि क्वालिफाई करे हैं, उसकी हॉल ऑफ फेम में आपकी भी एक फ़ोटो, एक कम्युनिटी मैं भी अपने चैनल पर आपकी पोस्ट करूं, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपसे है, आप हैं तो हम हैं, तो ज़रूर वो भरिएगा गूगल फॉर्म। आप देख सकते हैं आपकी वजह से मैम मेरा फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया, ये नेहा मलिक है, ठीक है, आपसे पढ़ के मेरे एस्टेट में 90 आए, हैप्पी मलिक। ये मैथ सॉल्यूशन काजल, ये काजल नाम की लड़की है, ठीक है भाई, इसका
जो है टीजीटी मैथ्स क्लियर हुआ है, तो पर्सनली इसके मैसेज भी आते हैं। वीरेंद्र कुमार मैम आपकी वजह से हो गया, आपकी वीडियो से सीडीपी की प्रिपरेशन करी थी, तो फ्री वीडियोस जो यूट्यूब चैनल पर चलाई हमने उससे भी बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। हिमांशु ठीक है, क्वालिफाई हो गया। शुभम चौहान आपकी मैराथन क्लासेस से, कृपा करें चंडीगढ़ पीआरटी का भी कर दें। बेटा हम चंडीगढ़ पीआरटी स्पेशल एजुकेशन की तैयारी बिल्कुल करा रहे हैं, और चंडीगढ़ पीआरटी बैच हमारा टीचर बैच आपका नोटबुक अकेडमी पे मात्र 500 रुपये का अवेलेबल है, आप उससे ले सकते हैं। बाकी मैराथन हम कराएंगे यूट्यूब पे, डरो नहीं ठीक है। ओनली मैराथन क्लास से मेटा कॉग्निशन पास हो गया। राहुल कुमार 95, लव शर्मा ठीक है, रिजल्ट में आरएलबी लिख के आ रहा है। देखो मैडम हमने बायोमेट्रिक करा लिया तो भी, तो बेटा तुम्हें भिवानी बोर्ड बुलाएंगे ठीक है। देखिए मेरा 82 सही थे, इस हिसाब से तो मेरा हो जाना चाहिए था, कैटेगरी से होंगे पर नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट में ऊपर नीचे तो हुआ है ठीक। हाँ 96 पीआरटी मोनू पंचाल पलवल से आपकी मैराथन से पास हो गया ठीक है। रिजल्ट आंसर की के अकॉर्डिंग ज़्यादा थे, आंसर की में भी चेंज है थोड़ा सा ठीक है। मैं यूपी से हूँ, टीजीटी मैथ मेरा रिजल्ट नहीं आया, री बायोमेट्रिक भी कराई थी 17 तारीख को, बेटा बुला लेंगे ठीक है। दुष्यंत मैम आई एम क्वालिफाइड ठीक, और देखिए मैंने बायोमेट्रिक कराया था, आरएलवी आ रही, आरएलवी वाली सुलझा ना कर दिया है मैंने, इस चीज़ का आपको बता दिया है ठीक है। आप पास ही हैं भाई, आरएलवी वाले जितने हैं मतलब बहुत सारे आप पास हैं ठीक। तो भाई ये थी बात, और मनु राठी यूट्यूब चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमें भी 1 लाख का बनाइए ठीक, अपने प्यार से, अपने एक सब्सक्राइब करने के बटन से। थैंक यू।